वेलकम स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजेनिक प्लांट्स का एक ओवरव्यू देखा था। उसमें डिटेल प्लांट की स्टडी हमने नहीं किया था। मैंने कहा था कि आपको मैं स्पेशल वीडियो एक एक क्रॉप्स के ऊपर डिटेल उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर मैं देने वाला हूँ। तो सी टुडेज टॉपिक इज़ ट्रांजेनिक प्लांट्स। ओके, इन माई अर्लियर प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस रिगार्डिंग दिस स्लाइड दैट ट्रांजेनिक प्लांट्स आर द प्लांट्स हुज जीनोम इज आल्टर्ड बाई एडिंग वन और मोर ट्रांजियंट्स आर नोन एज अ ट्रांजेनिक प्लांट्स। ओके, यू हैव वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। ट्रांजेनिक प्लांट्स मीन्स वॉट? द प्लांट हु कंटेन हुज जीनोम इज आल्टर्ड इज नोन एज अ ट्रांजेनिक प्लांट्स एंड द क्रॉप्स इज नोन एज द ट्रांजेनिक क्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सी हियर इन दिस स्लाइड द गोल्डन राइस इज देयर। गोल्डन राइस इज ऑल्सो ट्रांजेनिक प्लांट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। वाई देर इज नीड टू प्रोड्यूस अ गोल्डन राइस इफ देयर इज ऑलरेडी राइस विच वी ईट विच इज वाइट इन कलर। ओके, एंड गोल्डन राइस इज लुक्स लाइक इन येल्लो कलर। ओके, और ऐसे बहुत से सवाल आपके दिल में आते हैं कि ये वाइट कलर का राइस है तो ये गोल्डन राइस क्यों बनाया होगा, जेनेटिकली मॉडिफाई क्यों जरूरत पड़ी जेनेटिकली मॉडिफाई की। तो इसका रीज़न ये है कि साउथ अफ्रीका में उनके डाइट में विटामिन ई की कमी की वजह से वहाँ पे बहुत से चिल्ड्रंस का और बहुत से ह्यूमन बींग्स का विजन लॉस्ट हो गया था। दे लूज देयर विजन और दे लूज देयर एबिलिटी टू सी। ओके, तो दे बिकम कलर ब्लाइंड और दे बिकम सम ऑफ देम बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड। ओके, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो इसका विटामिन ए का और एक राइस का क्या रिलेशन है? तो दिस गोल्डन राइस इज द विटामिन ए रिच, इट इज प्रोड्यूस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। ओके, विटामिन ए की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए गोल्डन राइस को प्रोड्यूस किया गया है, जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है। तो गोल्डन राइस को दिखता कैसा है? तो इट लुक्स लाइक इन येल्लो कलर, येल्लो कलर का होता है। तो येल्लो कलर किसने दिया गोल्डन राइस को? तो येल्लो कलर कम्स बिकॉज ऑफ कैरोटीन, बीटा कैरोटीन पिगमेंट। ओके, तो बीटा कैरोटीन क्या है? तो इट इज़ द कलर पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन साइड द गोल्डन राइस। ओके, तो ये के नेचुरल प्लांट में भी प्रोड्यू होता है, राइस के प्लांट में भी होता है, लेकिन फिर भी वो वाइट कलर का राइस क्यों था? तो उसका रीज़न ये है कि नेचुरली इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द लीफ स्टेम और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ग्रेन्स ऑफ द राइस। राइस में रहता था क्या? जो वाइट राइस है उसमें कैरोटीन होता है क्या? तो होता है, वाइट राइस जो प्रोड्यूस होता है उसी प्लांट में भी कैरोटीन होता है, लेकिन वो उसके ग्रीन पार्ट में होता है, लीफ में होता है, स्टेम में होता है, मगर ग्रेन्स में नहीं होता है। तो साउथ अफ्रीका में भी वाइट राइस खाते हैं तो वहाँ उसमें भी कैरोटीन होता है, बोल रहे हैं हम कैरोटीन विटामिन ए को प्रिकर्सर है। तो फिर क्या हुआ? तो जो राइस का ग्रेन्स खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं? राइस का लीफ नहीं खाते, जैसे स्पिनेच वगैरह खाते हैं तो उसके लीव्स को हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ राइस वी ईट द ग्रेन्स ऑफ राइस, राइस के ग्रेन्स खाते हैं। ओके, और ग्रेन्स में कैरोटीन पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए उसका कलर वाइट कलर का होता है। तो साउथ अफ्रीका में जो प्रॉब्लम आया था विटामिन ए की डिफिशियंसी, तो उसको फुलफिल करने के लिए उनका जो मेजर फूड सप्लीमेंट था, डाइट था, जो राइस था, उसमें ही उन्होंने एडिशन कर लिया कैरोटीन का, विटामिन ए का। ऐसा राइस उन्होंने उनके वहाँ के लोगों को दिया, पॉपुलेशन को दिया, कि जिसमें विटामिन ए हो, और जैसे वो राइस खाएंगे उनकी वो डिफिशियंसी फुलफिल होंगी और उनका विजन क्लियर होता जाएगा, वो कलर ब्लाइंड नहीं होगे और ब्लाइंड नहीं होगे, तो रेशियो कम हो जाएगा ब्लाइंड का। तो कैरोटीन क्या है? कैरोटीन एक कलर पिगमेंट है, वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इट एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सिंथेसिस पाथवे अगर आप देख लोगे तो ये विटामिन ए का प्रिकर्सर है, इससे कैरोटीन से, बीटा कैरोटीन से विटामिन ए तैयार होता है, प्रो विटामिन, और प्रो विटामिन से विटामिन ए तैयार होता है। और विटामिन ए का रोल क्या है? तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से हमको ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गोल्डन राइस को बनाया था। तो किस गोल्डन राइस किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। द रीज़न बिहाइंड द येलो कलर ऑफ गोल्डन राइस इज द बीटा कैरोटीन पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ग्रेन। ओके, तो बीटा कैरोटीन ये येलो कलर का पिगमेंट होता है जो ग्रेन्स के अंदर होने की वजह से इसको येलो कलर आया है, और येलो कलर की वजह से इसको नाम देते वक्त गोल्डन राइस दिया है। कुछ जरा सा गोल्डन सा दिखता है ना,
तो इसको गोल्डन राइस का नाम दिया है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ओके, तो हेयर इज लिस्ट ऑफ सम ट्रांसजेनिक प्लांट्स विच कैरी बीटी जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए जो भी ऐसे प्लांट्स की लिस्ट दी है इस स्लाइड में, जिसके अंदर बीटी जीन्स है। बीटी क्या है? तो बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थुरिंजेनेसिस। बैसिलस थुरिंजेनेसिस इज अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है जिसका जीन इन सभी प्लांट्स के अंदर और क्रॉप्स के अंदर ट्रांसफर किया गया है, इसीलिए इनको ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहा जाता है। द ट्रांसजेनिक प्लांट विच कैरी बीटी जीन्स। द लिस्ट बी हेयर यू कैन सी द ब्रिंजल इज देयर, कॉटन इज देयर, मेज, पोटेटो, राइस, शुगर केन, टोबैको, टोमेटो एक्सेट्रा। एंड विच जीन दे पोजेसेस? इन ब्रिंजल क्राई 3B, इन कॉटन क्राई 1AB, इन मेज क्राई 1AB, पोटैटो क्राई 1AB, इन राइस क्राई 1AB, शुगर केन क्राई 1A, इन टोबैको क्राई 1A, टोमेटो क्राई 1A। ओके, एंड देयर टारगेट इन ब्रिंजल लेप्टिनो टर्सा। ओके, ये सब लिस्ट दी है टारगेट इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट ये बनाया है। तो ये लिस्ट थी। तो बीटी इंसेक्ट प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट डेवलपमेंट के लिए बीटी जीन्स यूज़ किया जाता है। तो बीटी क्या का है? मैंने जैसे पहले कहा है बैसिलस थुरिंजेनेसिस। ये क्या है? इज अ सॉइल बैक्टीरियम हुज स्पोर्स कंटेन अ क्रिस्टलाइन प्रोटीन विच इज नोन एज अ क्रिस्टल प्रोटीन और क्राई प्रोटीन, कॉमनली वी नोन इज नेम्ड इट एज अ क्राई प्रोटीन। ओके, तो ये बैसिलस थुरिंजेनेसिस के अंदर ये क्राई प्रोटीन होता है। ये सॉइल बैक्टीरिया है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहने वाला बैक्टीरिया है जो स्पोर्स, उसके स्पोर्स के अंदर क्रिस्टल प्रोटीन होता है। इन द इंसेक्ट गट द प्रोटीन ब्रेक्स डाउन टू रिलीज अ टॉक्सिन नोन एज अ डेल्टा एंडोटॉक्सिन। तो ये बीटी क्या करता है? बीटी जीन तो ये सिंथेसिस करता है एक एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन सिंथेसिस करता है क्राई प्रोटीन जो एंडोटॉक्सिन सिंथेसिस करता है। एंड दिस टॉक्सिन बाइंड्स टू एंड क्रिएट्स पोर्स इन द इंटेस्टिनल लाइनिंग। तो ये टॉक्सिन का रोल क्या है? तो ये बाइंड होता है इंटेस्टाइन के इनर लाइन को, इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग को बाइंड होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? उसका आयनिक चैनल ब्लॉक होता है और वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब्ड होता है। वो होल्स फॉर्म कर देता है, स्पोर फॉर्म कर देता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, और फाइनली दैट इंसेक्ट विल डाई। ओके, फ्यू डेज के अंदर और कुछ समय के बाद वो इंसेक्ट मर जाता है। तो ये बाइंड होता है इनर लाइनिंग ऑफ गट को, बाइंड होने के बाद वो उसको होल्स पाड़ना शुरू कर देता है, आयनिक आयन इम्बैलेंस कर देता है, उसका आयनिक चैनल ब्लॉक कर देता है वो। और जैसे ही वो बैक्टीरिया के किसी ऑर्गेनिज्म के पिंग बोलवर्म के इसके अगेंस्ट गया तो वो किल हो जाता है। ओके, तो एंडोटॉक्सिन का काम है ये। एंड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ क्राई जीन्स आर ऑल्सो नोन एज बीटी जीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ओके, तो इसके जो भी वर्जन्स है क्राई जीन के, क्राई प्रोटीन सिंथेसिंग जीन के जो वर्जन है उसको बीटी जीन्स कहा जाता है। और इससे पहले की स्लाइड में हमने वो सब बीटी जीन्स अलग अलग क्रॉप के अंदर देखे है। सी हेयर इन दिस स्लाइड द मोड ऑफ एंट्री ऑफ बीटी जीन्स। बीटी जीन्स का एंट्री कैसे दिया है? जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप इज ऑल्सो, बीटी कॉटन इज ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप। ओके, विच हैज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पिंक बोलवर्म। पिंक बोलवर्म के अगेंस्ट बीटी कॉटन का एग्जाम्पल लेते हैं ये स्लाइड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बीटी कॉटन में क्या होता है? तो उस पर जो पेस्ट अटैक्ट होता है, तो मेजर पेस्ट होता है पिंक बोलवर्म होता है, अमेरिकन बोलवर्म होता है, स्पॉटेड बोलवर्म होता है। तो ये वो कॉटन क्रॉप के ऊपर अटैक करता है। तो क्या करता है? तो ये पिंक बोलवर्म और अमेरिकन बोलवर्म क्या है? ये दीज आर द टिश्यू ईटर्स। दे ईट कर, वो क्या करते हैं? इसके लीफ को खाते हैं, इसके टिश्यूज़ को खाते हैं, कॉटन के लीफ को, टिश्यूज़ को खाते हैं। इसकी वजह से उसका फोटोसिंथेसिस ब्लॉक होता है और ये पूरे कॉटन की फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी हैव डेवलप अ न्यू कॉटन वराइटी, दैट इज़ अ बीटी कॉटन वराइटी। ओके, तो कैसे रेजिस्टेंस एक्वायर किया है? व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो पहले यहाँ पे देखिए, जैसे हमने कहा बीटी कॉटन एक सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्राई प्रोटीन होता है विच इज़ नोन एज अ क्रिस्टल प्रोटीन। ओके, जो स्पोर्स के अंदर होता है, और वो जीन जो बीटी जीन है कॉटन के अंदर हमने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया है बाय यूजिंग डिफरेंट जेनेटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ओके, एंड आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन दैट बीटी जीन विल स्टार्टेड टू एक्सप्रेस इन कॉटन क्रॉप। अभी उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा? जैसे ही बीटी जीन अलग अलग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने कॉटन के क्रॉप में ट्रांसफ़र किया है और वो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो सिंथेसिस करेगा क्रिस्टल प्रोटीन।
उसके स्पोर्स क्रिस्टल प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, और ये क्रिस्टल प्रोटीन क्या सिंथेसिस करता है, तो ये एंडोटॉक्सिन सिंथेसिस करता है, और वो एंडोटॉक्सिन उसके हर एक पार्ट में रहेगा, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल हर एक ईच एंड एवरी सेल में प्रेजेंट होता है, तो ये एंडोटॉक्सिन भी ईच एंड एवरी सेल में कॉटन क्रॉप के प्रेजेंट होगा। ओके और जैसे अभी मालूम है कॉटन क्रॉप पे प्रेजेंट है, अभी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप है, उसके उसके अंदर टॉक्सिन मटेरियल भी है जो कि पिंक बोलवर्म को किल करता है। अभी पिंक बोलवर्म मेजर अटैक होता है पिंक बोलवर्म का कॉटन के ऊपर, जैसे ही पिंक बोलवर्म का अटैक कॉटन के ऊपर होगा, ये बीटी कॉटन के ऊपर, और वो उसके लीफ खाना शुरू कर देगा, तो लीफ के साथ साथ उसके अंदर वो क्रिस्टल प्रोटीन और दैट एंडोटॉक्सिन भी उसके गट के अंदर जाएगा। और जैसे ही उसके गट के अंदर गया, कि आपने को मालूम है कि बीटी कॉटन का मैकेनिज्म क्या करता है, फर्स्ट स्टेप उसकी क्या है कि इट गेट अटैचेस टू द इनर लाइनिंग ऑफ द गट ऑफ द पिंक बोलवर्म, तो उसके पेट के अंदर के लाइनिंग को वो जाके अटैच होता है, और दूसरा काम क्या होता है कि इट ब्लॉक्स द आयोनिक चैनल ऑफ द पिंक बोलवर्म, पिंक बोलवर्म का आयोनिक चैनल ब्लॉक कर देता है, और एज सुन एज इट ब्लॉक्स द आयोनिक चैनल दैट पिंक बोलवर्म स्टॉप्स फीडिंग। जैसे ही उसने अटैच हो गया, अटैच होते बराबर वो पिंक बोलवर्म दूसरा पत्ता खाना बंद कर देगा लीफ का, ओके लीफ का खाना वो उसका फीडिंग बंद कर देगा, क्योंकि क्या होता है अटैचमेंट होने के बाद ये उसका आयोनिक चैनल ब्लॉक कर देगा और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को होल्स पाड़ना शुरू कर देगा, उसको स्पोर्स का पाड़ना शुरू कर देगा, और उसमें से लिक्विड बाहर निकल के पूरा उसका फाइनली उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्ट्रप्ट हो जाएगा, और ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट पिंक बोलवर्म विल बी किल देयर, एंड दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द बीटी टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ बीटी कॉटन। पिंक बोलवर्म के अगेंस्ट कैसे हमने रेजिस्टेंस एक्वायर किया, तो हमने एक जीन एंडोटॉक्सिन सिंथेसाइज करने वाला जीन बैसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरिया से लेके कॉटन के क्रॉप में उसका सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन किया बाय यूजिंग डिफरेंट जेनेटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन नाउ दैट क्रॉप पजेसेस द एंडोटॉक्सिन ओके विच एक्ट अगेंस्ट द पिंक बोलवर्म, वो कॉटन के अंदर वो एंडोटॉक्सिन अभी तैयार है, जैसे ही पिंक बोलवर्म उसको अटैक करेगा उसके लीव्स खाना शुरू कर देगा, वो लीव्स के थ्रू में वो एंडोटॉक्सिन उसके पेट में जाएगा, और जैसे ही पेट के अंदर जाएगा उसके अंदर अभी यहाँ पे मैकेनिज्म है, जब वो प्लांट के अंदर होता है तो वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, अब जैसे ही वो पिंक बोलवर्म के गट में जाएगा इट गेट्स एक्टिवेट ड्यू टू द पीएच। ओके अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि पीएच को इस एंडोटॉक्सिन को एक्टिवेट होने के लिए पीएच अल्कलाइन पीएच की ज़रूरत होती है, और पिंक बोलवर्म के अंदर पेट के अंदर अल्कलाइन पीएच होता है, और अल्कलाइन पीएच के हो गया वो एक्टिवेट हो गया, जैसे ही वो एक्टिवेट हो गया वो उसके इनर लाइनिंग को जाके अटैच होता है, अटैच होने के बाद उसको आयनिक चैनल को ब्लॉक करता है, ये पूरा मैकेनिज्म आपको पता है क्या करता है, लेकिन क्या लगता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ क्रिस्टल प्रोटीन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अल्कलाइन पीएच। ओके तो अभी सवाल ये आता है कि किसी एक बच्चे ने खा लिया, किसी गोट ने खा लिया कॉटन का लीफ, तो क्या वो मर जाएंगे, क्या वो यही मैकेनिज्म उनके अंदर होगा, तो आंसर है नहीं, ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स को ये बीटी कॉटन कुछ भी अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वे हैव एसिडिक पीएच, हाईली एसिडिक पीएच इन आवर गट, एंड ओनली इन अल्कलाइन पीएच दिस क्रिस्टल प्रोटीन इज एक्टिवेटेड। ओके तो हमारे अंदर अल्कलाइन प्रोटीन नहीं होता, अल्कलाइन पीएच नहीं होता है, हमारे स्टमक के अंदर हाईली एसिडिक पीएच होता है, इसीलिए अगर इसका पत्ता हम खाए या गोट खाएगी या कोई अदर एनिमल खाएगा काऊ खाएगा तो उसको इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ये एंडोटॉक्सिक उनके लिए हार्मफुल नहीं है, दिस एंडोटॉक्सिन इज ओनली हार्मफुल फॉर पिंक बोलवर्म बिकॉज दैट पिंक बोलवर्म हैज अल्कलाइन पीएच इन इट्स स्टमक। ओके उसके स्टमक के अंदर तो पीएच भी मालूम होना चाहिए एंडोटॉक्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, क्रिस्टल प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर अल्कलाइन पीएच लगता है, तो ये डायग्राम के अंदर आपको सब दिखाई देता है। सी हियर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ये पिंक बोलवर्म है, ये जो लीफ है कॉटन का, इसके अंदर ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है लीफ के अंदर प्रेजेंट है, ये क्रिस्टल प्रोटीन जैसे ही गया तो ये गट के इनर लाइनिंग को ये क्रिस्टल प्रोटीन उसके अटैच हो गया और उसको होल्स पाड़ना शुरू कर दिया, तो ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको कहा तो ये डायग्रामेटिकली दिखा दिया है आपको। देखिए 100 से भी ज़्यादा वेरिएशन ये बीटी टॉक्सिन के हैं अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, तो ये जो क्राइजिन है और किसके अगेंस्ट टॉक्सिन प्रोटीन तैयार करता है वो इंसेक्ट, इसके लिस्ट यहाँ पे दी गई है, लिस्ट ऑफ
the crygen protein who, against the pest insects is given there, that cry1a, cryl1ab, cryl1ac, okay, which is against lepidoptera, lepidoptera. So cry2 lepidoptera, diptera, cry3 coleoptera, cry4 diptera, cry5 लेपिडोप्टेरा कोलेप्टेरा, ये इंसेक्ट्स के अगेंस्ट ये इसके जीन टॉक्सिन सिंथेसिस करता है. तो ये इसका स्पेसिफिसिटी है किस जीन का, बीटी जीन का. तो 100 के ऊपर ये ऐसे बीटी जीन्स आइडेंटिफाइड हुए हैं अभी तक, अलग अलग इसके स्ट्रेंथ्स हैं. तो देखिए यहाँ पे सक्सेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो सक्सेसफुली प्रोड्यूस है और विच इज कमर्शियली अवेलेबल, हेयर इज द लिस्ट गिवन. ओके, वी विल सी वन बाई वन. The first is the BT cotton, okay, and BT cotton is the first commercially available BT product of BT technology in India. Okay, India ka ye pehla commercially available product hai. Okay, in India it has in Maharashtra it Mahiko seeds. Okay, it has the call, and which company produces the BT seed? The Monsanto American company hai. Ye Monsanto America produces the BT seed. It made it available for commercially, the seed of BT cotton. Okay, Monsanto America, and in India that Monsanto American company has the collaboration with the Mahiko seeds. Okay, which is located in the Jalna district. Okay, Mahiko seeds ka collaboration ke sath ye commercially available karke deta hai BT cotton ka seed, and it is the successfully available transgenic plants. Okay, which has a resistance against the BT against the pink bollworm. Okay, cotton pink bollworm kya hai, it's a major tissue eater hai, pest hai cotton ke upar ka transgenic. Next hai insect resistant corn. BT toxin kills European corn borer, and which has also BT gene in it, BT protein synthesis karta hai. Okay, herbicide resistance crop. Okay, EPSP synthase herbicide resistance crop. And virus resistance papaya, resistance to papaya ring spot virus. Okay, which has also BT gene in it, transgene virus coat protein synthesis karta hai. Okay, thank you. Ye is lecture mein, is video mein do plants aapko clear kar diya, BT cotton aur transgenic plants jo hai. तो वो उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में है. प्रीवियस वीडियो में भी दिया था लेकिन वो शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया था, डिटेल में इसका मैकेनिज्म उसके अंदर बताया है. तो स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स. ओके.